नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ। आज की जो मैं क्लास है वह है कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 5 के अंतर्गत कार्य पत्रक 42। आज की क्लास में हम कार्य पत्रक 42 समझेंगे जो पेज नंबर 42 पर है। चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं और समझते हैं कार्य पत्रक 42। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे। दिनांक, यहाँ पे सभी विद्यार्थी आज की दिनांक लिखेंगे। इस कार्यपत्रक 42 के अंतर्गत अधिगम क्षेत्र है आकृति एवं स्थान की समझ, और इसी के अंतर्गत हम अधिगम बिंदु है कोण के सापेक्ष चीजों के आधा, चौथाई, तीन चौथाई घूमने पर बनने वाली आकृति को विजुलाइज करना। विद्यार्थी आज की क्लास में हम कोण के सापेक्ष चीजों के आधा, चौथाई, तीन चौथाई घूमने पर बनने वाली आकृति को विजुलाइज करना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। सवाल नंबर एक, नीचे दिए गए चित्रों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर जैसे दिखते हैं वैसे ही चित्र बनाइए। नीचे दिए गए चित्रों को घड़ी की सुई की दिशा में हमें घुमाना है और उसके आधार पर जैसे दिखते हैं वैसे ही हमें चित्र बनाने हैं। वस्तु दे रखी है बेड, मछली, तीर और गुब्बारा। अब इसे किस प्रकार से घुमाना है, आधा, चौथाई, तीन चौथाई, वस्तु को आधा घुमाना है, चौथाई घुमाना है, तीन चौथाई घुमाना और पूरा घुमाना है। तो विद्यार्थियों जब बेड को हम आधा घुमाएंगे तो आकृति कैसी बनेगी, घड़ी दिशा में इस प्रकार से हम जब आधा घुमाएंगे तो बेड आपका बनेगा ये, इस प्रकार का बेड बनेगा। जब आधा घूमेगा तब बेड आपका इस प्रकार से बनेगा। मछली को आधी घुमाएंगे तो कैसे बनेगा, मछली जब आधी इस प्रकार से घूमेगी तो मछली बनेगी विद्यार्थियों विद्यार्थियों मछली इस प्रकार की बनेगी। तीर जब आधा घूमेगा तब कैसे बनेगा, तीर जब आधा घूमेगा तब तीर इस प्रकार का बनेगा। जब गुब्बारा आधा बने आधा घूमेगा तो गुब्बारा किस प्रकार से बनेगा, गुब्बारा इस प्रकार का बनेगा। तो विद्यार्थियों वस्तु को हमने आधी घुमाने पर किस प्रकार की बनी, वह बनाई। अब विद्यार्थियों यदि चौथाई घुमाए तब कैसे बनेगा, यदि इस बेड को हम चौथाई घुमाए इसी घड़ी की सुई की दिशा में तब बेड किस प्रकार का बनेगा, तब बेड विद्यार्थियों इस प्रकार का बनेगा। मछली जब चौथाई घूमेगी तब कैसे बनेगी मछली विद्यार्थियों, मछली इस प्रकार की बनेगी। जब तीर चौथाई घूमेगा तब कैसे बनेगा, जब तीर चौथाई घूमेगा तीर इस प्रकार का बनेगा। जब गुब्बारा चौथाई घूमेगा तब कैसे बनेगा विद्यार्थियों,
गुब्बारा इस प्रकार का बनेगा। इसी प्रकार से अब तीन चौथाई घूमने पर किस प्रकार से बनेगा, तीन चौथाई यानी इस प्रकार से घड़ी की दिशा में यहां तक घूमेगा तो बेड कैसे बनेगा, बेड विद्यार्थियों इस प्रकार से बनेगा। मछली जब चौथाई घूमेगी तब किस प्रकार की बनेगी, मछली जब चौथाई घूमेगी तो वह इस प्रकार की बनेगी, जब तीर चौथाई घूमेगा तब किस प्रकार का बनेगा, तीर चौथाई घूमेगा तो तीर इस प्रकार का बनेगा, जब गुब्बारा चौथाई घूमेगा तब किस प्रकार का बनेगा विद्यार्थियों, गुब्बारा इस प्रकार का बनेगा। अब हमें यदि जब पूरा घूमेगा तब कैसे बनेगा, बेड पूरा घूमेगा तो इसी प्रकार का बनेगा, मछली भी इसी प्रकार की बनेगी और तीर इसी प्रकार का और गुब्बारा भी इसी प्रकार का बनेगा जब पूरा घूमेगा तो। हम बढ़ा लेते हैं, ये बना लिया हमने बेड, ये बना ली विद्यार्थियों मछली, ये बना लिया तीर, ये बना लिया गुब्बारा, यानी पूरे घूमेंगे तब इसी प्रकार के बनेंगे जैसे ये बने हुए हैं वैसे के वैसे ही बनेंगे जब पूरे घूमेंगे तब। ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर आपके पहला, आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर दो, नीचे दी गई घड़ियों के समय के अनुसार इनकी स्थिति को देखकर बॉक्स में से भरिए, बॉक्स में से भरना है। अब आप यहां देखिए एक दो तीन चार घड़ी दे रखी है, तब हमें ध्यान रखना घड़ी के समय के अनुसार इनकी स्थिति देखनी है। जब ये पूरा है यानी ये दो डायल है आपके, जब पूरे घूम जाए दो सुइए, जब पूरी घूम जाए तब पूरा दे रखा है। अब हम यहां ये कितना है आधा, हम यहां लिखेंगे आधा, ये है आधा, यहां से यहां तक कितना होगा चौथाई, हम यहां लिखेंगे चौथाई, यहां पे पूरा लिखा हुआ है, और ये यहां से यहां तक तो कितना होगा तीन चौथाई, हम यहां लिखेंगे तीन चौथाई, आधा चौथाई पूरा और यहां तीन चौथाई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 42 को हल किया, आप भी इस कार्यपत्रक को हल कीजिए और यदि इस प्रकार के सवाल आपकी पाठ्यपुस्तक में दे रखे हों तो उन्हें भी आप हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। आप विद्यार्थियों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद,
जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।